देना पलट भारत मा 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 Each city remembers itself through some privileged moment. In some cities, this remembering is in a moment of forgetting, a fabulous curse. You could call this city by any name, say Ujjain. Here, each one nurtures secret utopias. Each one sees the absence in his or her heart transform into a presence. When will you see me again? The one I cannot remember? The scholarly pandit of Sanskrit and Kalidasa sees in every woman his Shakuntala. His daughter of marriageable age sees Dushyant in every man. The dhopi in his dreams sees a swollen Shipra river, the waters of which are the sap in the tree, semen, milk and the juice of the fruit. The unemployed see factories pulsating with life. I saw walls, some intact, some crumbling. Many unstated and invisible. Doors within walls hold a prohibition, but also an invitation, promising entries into a strangeness before it becomes familiar, perhaps even friendly. There is a darwaza in the city. A young child always hurried past this door, her head bent, never letting her eyes wander. Today, however, a young woman जब मैं छोटी थी इसी शहर में रहती थी और हर रोज इसी बाखल से गुजरा करती थी मेरे स्कूल का रास्ता इसी ओर से होता था मुझे याद है मेरा भी मन करता था इन छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलूं और सरदर टोपी लगा के घूमूं आज मन किया यह जगह जरा देख तो लूं अंदर आई तो एक नई दुनिया खुल सी गई जिसमें अलग अलग लोग वेशभूषा माहौल पतली गलियां आड़ी तिरछी दीवारें जिसमें घूमते ही जाए कहती थी ए छोरी पैर जल्दी जल्दी चला
नहीं तो बीवी पका के खा जाएगी तुझे। और मैं डर के मारे चुपचाप स्कूल की तरफ तेजी से चल पड़ती। आज फिर अचानक माँ का वही किस्सा याद आया और वापस आ गया वही डर, जैसे कोई पीछा कर रहा हो मुझे खाने के लिए। माँ के किस्से का डर रहे, मैं यहाँ आई नहीं पाई इतने साल। ये सुंदर रंग बिरंगी खिड़कियाँ कितनी गजब की हैं, और इसमें झांकती मुस्कुराती जूलियट जैसे कि मैं। The reality of the community behind the wall was replaced by grotesque fictions. हम ये मान लें कि राम कृष्ण की विचारधारा के लोग या भगवान श्री राम या श्री कृष्ण ने जो किया है उस विचारधारा को मानने वाले लोग आपस में एक दूसरे से बहुत शक्तिशाली गठबंधन रखते हैं, वहीं पर जो अल्लाह को मानने वाले हैं वो सब लोग आपस में बहुत अच्छा गठबंधन रख रहे हैं, या ईसा मसीह को मानने वाले हैं वो आपस में अधिक शक्तिशाली गठबंधन रखेंगे। मेरे ख्याल में तो ये एक एनिमल इंस्टिंक्ट है उसके अंदर। आप किसी भी जानवर को देखे, चाहे वो पानी में रहता हो, चाहे आकाश में रहने वाला परिंदा हो या ज़मीन पर रहने वाला जानवर हो, वो एक समूह के अंदर, गिरोह के अंदर वो रहता है अपना वो बना के। मछलियाँ भी एक झुंड के अंदर रहती हैं, या परिंदे भी माइग्रेट करते हैं तो झुंड के अंदर चलते हैं, जानवर भी जंगल के अंदर रहते हैं तो ग्रुप के अंदर चलते हैं, उनका ये कबीला बना के चलते हैं। ये शुरू से ही एनिमल इंस्टिंक्ट है। उसकी वजह मेरे ख्याल में तो ये है कि सर्वाइवल के लिए है ये इंस्टिंक्ट, टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ। ये जो सेग्रीगेटेड लिविंग की जो बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर ग्रुप के अंदर इसलिए रहना आदमी पसंद करता है, टू प्रिजर्व देयर ओन आइडेंटिटी एंड कल्चर। ये भी एक वजह होती है कि बोरा समाज के अंदर इसलिए रहना चाहते हैं कि कोई बाहर से वो दूसरा कल्चर का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर नहीं पड़े। वो देखिए मना ही नहीं है ये, क्योंकि वो खुद भी नहीं आते, क्योंकि ऑल ओवर जब पूरा मोहल्ला किसी एक का होता है तो सामने ये एक मेंटेलिटी है हिंदुस्तान के अंदर कि अपन अपने अपने कम्युनिटी में जाके रहें। The need for groups and communities to maintain and display identities is strong. Shops sell these identities, we wear them. A few kilometers away from the Bori Bakhal, another group, another identity behind another darwaza, built 300 years ago to keep out raiders on horseback. This place is called Singhpuri Chowk. Now in this mohalla, about 400 houses of the same community, same sect of Brahmins, that is Gurjar Gaur Brahmin, they lived here and are living here. This kind of living is very unique to our Indian tradition. There is a community which is living as a family.
and the importance of family one realizes only at the time of when there is joy in the family, like some function, marriage or Yagnopavit, or when there is sadness, like when there is death. If this kind of compassion at the time of grief, this kind of being together at the time of joy, happiness, if that can be extended beyond a community and beyond a mohalla, we would be stepping toward utopia, this total Ram Rajya. Basically, security comes from a whole set of traditions which are followed by a set of people. Okay, you pray, you celebrate the same festivals, you celebrate the same pujans. In subconscious mind, there is a feeling of security out of these things. Bhaktya namami batukam tarunam tinetam kam pradanava kapaldishu. That fear is definitely within yourself. I mean, you cannot deny, I have it, you have it. And the biggest fear is from that unknown, no? Which may hit us. So, but different communities found different ways of dealing with that fear. And what we are seeing in present time, I think, is the worst part of that fear. When you fear for nothing, people sort of make it a cocoon sort of safety around them, and then may decide that, I mean, they don't have to come out of it. But I think that our present education system is, and exposure to world is good enough to not to allow anybody to live in that kind of cocoon anymore. हमारी संस्कृति अत्यंत पवित्रता का निर्देश करती चली आई है और उन्हीं मानदंडों का पालन ब्राह्मण परिवारों द्वारा किया जाता रहा है कि या तो हाथ की अथवा जाति की, या तो अपने हाथ से बना हुआ खाते थे अथवा जाति का बना हुआ ही जो है स्वीकार किया जाता रहा है. परंतु समय बदला, हमारी सोच ने ये कहा कि हम अन्य ब्राह्मणों के हाथ का भी जो है खा सकते हैं. Each community I visit has its own myths about cleanliness and the pollution that arises from contact with the impure other. Like a lurking superstition in my own mind. But who is this mysterious other that could devour you and rob your identity if allowed to come close to you? Perhaps some kind of answer may be found in Bhairugarh, a little way off from Ujjain, another high wall, once the fort of Marathas, now a prison used to segregate criminal elements from you and me. But it was not behind these walls that I found a partial answer, rather outside. यूं तो काफी पुराना बसा हुआ है भैरुगढ़, 700 साढ़े 700 साल की अपनी हिस्ट्री है उसकी. वहाँ तो हर तरह की कम्युनिटी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, उसमें भी है, मतलब जात वाइज भी, फिर अपर और लोअर भी हैं. ज़्यादातर लोग डिपेंड हैं टेक्सटाइल प्रिंटिंग पे. कुल मिलाकर वहाँ की अगर वो देखें तो धंधे से जुड़े हुए होने की वजह से आना जाना घरों में रहा. कुछ रस्म रिवाज भी हम एक दूसरे दोस्त में पार्टिसिपेट करते रहे, त्योहारों में या इसमें, तो वो जो टच है वो अभी भी कायम है. जैसे हमारे लिए धोबी ज़रूरी है तो हम उनके यहाँ मतलब जाएंगे आएंगे, शादी ब्याह ये वो बुलाएंगे, उनका काम हमसे चलता है तो वो हमारे यहाँ आएंगे जाएंगे किसी भी त्यौहार में, तो उस हिसाब से भी बराबर चलेगा कारोबार के एतबार से.
बिल्कुल सटे हुए मकान है, एक ही दीवार है, मतलब इधर अगर मुस्लिम है तो उधर हिंदू है। तो क्योंकि बहुत पड़ोसी या नज़दीक का रिश्ता रहता है तो वहाँ आपस में झगड़ा होने को मुझे तो चांस नज़र ही नहीं आता कहीं से कहीं तक। हम मान के चलते हैं भाई अगर ये नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, हम नहीं होंगे तो ये नहीं होंगे, मतलब अर्निंग के मामले में। तो जहाँ ज़रूरत होती है आदमी की वहाँ भी एकजुटता होती है। And yet bonds of economic necessity alone may not always run deep. For here itself, when a Muslim girl married a Rajput boy, they succumbed to social pressure and killed themselves. अगर ये किससे यहाँ आते हैं, अगर इस टाइप के अगर लव मैरिज या अरेंज मैरिज जो भी होती है, विरोध तो दोनों का संप्रदाय बहुत करते हैं। अच्छा कुछ लोग क्या है कि बोलते हैं ऊपर से, लेकिन अंदरूनी मतलब वो भावना तो उनकी जाती नहीं, जड़ कटती नहीं। आपको इंटरव्यू में कुछ बोलेंगे, भावना कुछ और रहेगी। तो बेसिकली जड़ें तो कटती नहीं है, सिर्फ क्या है कि एक मजबूरी। आप जैसे मान लो कोई कपड़ा धोता तो उसकी मजबूरी, अगर मोमेडियन के यहाँ नहीं धोएगा तो कहाँ धोएगा, उनके कारखाने ही मोमेडियन के ही है, हिंदू लोगों के कारखाने ही नहीं, तो उनको तो उनसे मेल जोल रखना ही है। सिर्फ जो भी है दिखावटी है अंदरूनी। कुछ ही जगह पर है कि जो वो एक ही थाली में खा लेते हैं और पी लेते हैं। वो अभी हो क्या रहा है एट प्रेजेंट कि हम धर्म को मतलब धर्म नहीं मानते बल्कि दिखावा या आडंबर। यानी आप यूं समझ लीजिए टू बी वेरी फ्रेंड कि मैं नमाज पढ़ने इसलिए जाऊंगा कि लोग मुझे देखें कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं। मंदिर में आदमी इसलिए जाता है कि लोग देखें कि मंदिर में आदमी जा रहा है। किसी मंदिर में किसी फंक्शन में लाइटिंग ज़्यादा है तो मुस्लिम कम्युनिटी कहेगा हमारी मस्जिद में इससे ज़्यादा लगाएंगे। किसी का जुलूस बड़ा निकला तो हम कहेंगे हमारा जुलूस बड़ा निकला। इस तरीके की जो प्रवृत्ति डेवलप हो रही है, एक्चुअली ये धर्म से भटका हुए धार्मिक वो पन नहीं है। ये जब तक मान्यता है तब तक तो ठीक है, दिखावा आया ये चीज़ें लुप्त हो जाएंगी। बोल रहे हो प्रभु, कई बजा रहे हैं 33 साल लिमिटेड में क्या होएगा 40 रुपया। अच्छा तेल क्या रहा अभी, वायदा क्या है 670। अच्छा और ये इस मोहल्ले का नाम तो दौलत गंज है, दौलत गंज तो यहाँ सब मतलब अधिकांश दौलत वाले ही हैं। ये क्या है कि यहाँ बरसों पुराने यहाँ मिर्ची मंडी लगती थी, मिर्ची मंडी के बाद ये घी मंडी चालू है। और ये जो नागौरी मोहल्ला पास में पड़ोस में उसी समय से नागौरी मोहल्ला और ये दौलतगंज के व्यापारियों का संबंध रहा है, मतलब आज से करीब 50-75 साल से। क्योंकि व्यापार भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होने के कारण ये होता है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ का व्यापार ट्रेडिंग का है तो इनके पास अनलोडिंग का है, या लेबर क्लास के जो भी व्यापार या जो भी होता है वो सब अधिकांश नागौरी मोहल्ला इसको बोलते हैं। और यहाँ पर इन लोगों के मोहल्ले की विशेषता रहती है कि ये लोग सब एक गुट एक ही जगह पर इनका पूरा रहता है। For generations, the Jains of Daulatganj have been traders. The Nagoris have been involved in transport business for as long. Trade needs transport. The Jains and Nagoris have lived and worked next to each other. However, in an attempt to fabricate identities, slippages of time and dates and events happen with a conjurer's cunning, so that in Ujjain too, then becomes now, is becomes was, and what never was becomes is. The repercussions of the riots of 93 were felt in places removed from the epicenter of the disaster. The Topkhana area,
where the Nagori and Jain Mohalla are located was one such area. The resulting fears promote segregated living, a process well underway in big cities like Bombay and Ahmedabad, but now affecting the peace of quieter towns. उस समय थोड़ी स्थिति बनी थी लेकिन उस समय भी स्थिति ये थी कि अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम इस एरिया में हुई तो इन्होंने संभाला और इनके इधर हुई तो हम लोगों ने संभाला तो कभी भी आपस में इस तरह का भाव नहीं हुआ भेदभाव नहीं रहा कि मतलब ये रहा लेकिन कुछ जब ये सांप्रदायिक दंगे या ये होते उस समय फिर इधर की स्थिति थोड़ी खतरनाक हो जाती है और उस समय इधर के जो इधर पड़ोस में भी रहने पे कुछ हमको भी थोड़ा डरना पड़ता है कोई भी आदमी बाहर जाके आउट ऑफ एरिया में नहीं रहना चाहता चाहे वो हिंदू समाज का हो चाहे मुस्लिम हो वो अकेला पड़ जाता है जैसा आपने गुजरात के दंगे में देखा क्या कंडीशन हुई वहाँ के दिक्कत दुक्के जो मुसलमानों के मकान थे जला दिए गए पूरा परिवार के परिवार जला दिए मार डाला लोगों अब यहाँ हम सेफ रहेंगे ना 500 मकान है यहाँ कोई हटने डालेगा नहीं अब अलग अगर कोई कॉलोनी में जाके रहते हैं पॉश कॉलोनी में तो वहाँ तो हो नहीं है वहाँ केसेस हो ही जाते हैं अब 100 मकान में एक मकान बसा हुआ तो उसको कौन छोड़ रहा तो पड़ोसी अगर चाहेगा भी कि इसको बचा ले तो नहीं बचा पाएगा वो इतनी भीड़ के सामने गुजरात में यही कंडीशन हुई मैं बहुत डर गई थी मैं एकदम पिक्चरों के सीन्स ध्यान आ गए कि मैं घर पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी मेरा ही पे मतलब कोई मुझे मार ना डाले बहुत डर लग रहा था फिर मैं प्रेयर भी कर रही थी कि ओरिजिनल प्लीज़ किसी को मेरी हेल्प के लिए पहुँचाइए प्लीज़ मैं कैसे भी करके घर पहुँच जाऊँ सबकी मैंटलिटी बहुत छोटी है सब रिलीजन को लेके चलना चाहते हैं कोई एक फ्री माइंड से सोचना नहीं चाहता है कुछ भी हुआ रिलीजन को लेके चलना चाहते हैं और पार्टी को लेके चलना चाहते हैं कांग्रेस और भाजपा यहाँ पे मेन वही दो चलती तो उन दोनों को ही लेके चलना चाहते हैं लोग ये नहीं देखते हैं कि भाई इंसानियत भी कुछ चीज़ होती है कुछ हो गया तो पूरी सब लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी वो कोई नहीं सोचता बस अपने बारे में सब सोचते हैं वहाँ जो है तो हिंदू पेशेंट हिंदू डॉक्टर्स के यहीं जाएंगे मुस्लिम पेशेंट मुस्लिम डॉक्टर्स के यहीं जाएंगे वो जो है तो जो यास्मिन भी रहती है जोहापुरा में वो कम्प्लीटली मोस्टली यानी मेजोरिटी जो है वहाँ मुस्लिम्स की है वहीं उसके अंदर अगर इनका नर्सिंग होम है नर्सिंग होम के अंदर कोई एनेस्थेटिस्ट चाहिए वो एनेस्थेटिस्ट ज़्यादा मुस्लिम्स तो है नहीं हिंदू है ना स्टेटिस्ट है या नॉन मुस्लिम से किसी को कॉल करना होता है सर्जरी के लिए उनके हस्बैंड को या उसको तो बड़ी मुश्किल से कोई तैयार होता है डरता है वहाँ आने के लिए उस तरह से या इधर वाले जो है तो मुस्लिम जो है तो कोई अच्छे अस्पताल में हिंदू अस्पताल या जो वहाँ वहाँ जाकर ऑपरेशन करवाने में डरते हैं उसमें इतना ज़्यादा यानी कम्युनलाइज्ड हो गया है यानी जो कि खास तौर पे ये मेडिकल प्रोफेशन में तो होना ही नहीं चाहिए था इट इज सच ए नोबल प्रोफेशन एंड आई डिस्कवर स्ट्रेंज ऑप्टिकल इल्यूशंस वॉल्स बिकम मिरर्स रिफ्लेक्टिंग माई नीड फॉर सॉलेस माई सुपरस्टिशंस My fragile self in the face of the other. On the outer face of our walls, we wear our names and other markings. Sometimes we wear our identities on our bodies. Perhaps the body is another wall we seek to transcend in work, worship, friendship, or some other way.
wide sky of their imagination, our ancestors had attempted to build spaces. They had, for instance, seen cities inhabited by people living together, where the mind would be without fear, where the world was not broken into fragments by narrow domestic walls. They saw cities where people could gather peacefully and without arms and give a collective and free expression to their desires. A land where people could move freely wherever they wanted to reside, wherever their hearts and minds chose to make homes. Where any citizen of this city, having a distinct language or script or culture, could conserve the same. This is the absence which becomes utopia. आपके इस उज्जैन